प्रधानमंत्री मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा यात्रा पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज कुछ लोग तिरंगा फहराने की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं मैंने पिछली सदी में लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, वो भी तब जब आतंकियों ने पोस्टर लगाकर धमकी दी थी। पीएम मोदी ने कहा, तिरंगा लहराने पर खून की नदियां बह जाने की धमकी देने वाले लोग भी आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ये आज का कश्मीर है। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे, और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, उस दिन मैंने कहा था छब्बीस जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।